अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक कोरिया की गाड़ी जो कि चाइना की सब कंपोनेंट पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द के माहौल से सब पाकिस्तानी लोग खड़े हैं और ये गाड़ी बाकायदा तौर में कराची आ चुकी है। आप इस वीडियो में देख सकेंगे इसका इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर और इसकी मैं प्राइस भी बताऊँगा जो कि बहुत कम प्राइस है। इसके तीन जो है वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और छोटी गाड़ी। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें ताकि इस चैनल पर हम गाड़ियों की वीडियो लेके आते रहते हैं, आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए। सबसे पहले आप इसका फ्रंट का प्रोफाइल देख लें, इसकी स्मार्ट प्रोजेक्टर लैंप और साथ में LEDs, नीचे बम्पर में फॉग लाइट भी दिए गए हैं और इंडिकेटर लाइट आपके सामने, और इसके अंदर अलॉय रिम प्री स्टॉल आपको मिलते हैं 14 इंच के साइड व्यू मिरर की। तो साइड व्यू मिरर जो है बॉडी कलर में आता है विद इंडिकेटर, और आप देख सकते हैं इसका डोर। आइए मैं आपको इसका पहले इंटीरियर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सटीरियर पर एक नज़र डलवाएँगे। ये आप इसका डोर देख सकते हैं, तमाम बटन इसके अंदर दिए गए हैं। डोर के अंदर आप देख सकते हैं पावर विंडो का, लॉकिंग अनलॉक का जो ऑप्शन है, साइड व्यू मिरर एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो डोर के अंदर दिया गया है। ये गाड़ी का रोम आपके सामने और स्टेयरिंग व्हील के ऊपर बैक का लोगो, 7 इंच की LCD और उसके ऊपर AC वेंट दिए गए हैं। साथ में हेजल लाइट का जो है बटन दिया गया है और कुछ इस तरह से इसके जो है लाइट जो है डैम करने के लिए और फुल करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मल्टीमीडिया में आप देख सकते हैं FM AM और इंफोटेनमेंट सिस्टम बाकायदा जो है उसके साथ ही वॉल्यूम कंट्रोल के बटन, और ये देखें 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये मैनुअल में आती है ये गाड़ी, और अपर वेरियंट जो है वो ऑटोमेटिक भी आता है इसका। और कुछ डैशबोर्ड इस तरह से है, ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, ये आपके सामने क्लस्टर गेज और स्पीडोमीटर। ओवरऑल गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से है। ये आप सीट देख सकते हैं, 2 कलर टोन के अंदर आती है और रेयर सीट से कुछ इस तरह का रोम नज़र आता है फ्रंट से। और बात की जाए इस गाड़ी की बैक की, तो आइए मैं आपको एक नज़र बैक से दिखा देता हूँ। क्रिस्टल की जो है ब्रेक लाइट आती हैं रेयर की, ये कुछ इस तरह से इसका ट्रंक नज़र आता है। ऊपर बैजिंग है, बैक कंपनी का नाम है उसका, और पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं बम्पर में, और फ्यूल कैपेसिटी 35 लीटर जो इसका टैंक है। और ये दूसरी साइड का लुक आप देख सकते हैं। और बात करें इसके इंजन की, तो इसके अंदर 800 cc इंजन आता है। इन पर जो गाड़ी देखी, इसकी जो प्राइस आएगी पाकिस्तान के अंदर वो 10 से 12 लाख में लॉन्च होगी और इसके ऊपर वाला वेरियंट ऑटोमेटिक 15 से 16 लाख में लॉन्च होगा। ये टेस्ट यूनिट पाकिस्तान के अंदर आया था और अगले महीने इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं इसे बुक कैसे करवाना है और मज़ीद डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन दबा दें। जैसे ही बुकिंग शुरू होती है तो फिर मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगा, आपको वीडियो मिल जाएगी।